हेलो एवरीवन वेलकम टू यू पी एस मैं हूं सेवन मैं अंकित चौधरी और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में आप हरियाणा का स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो अप्रोच कर रहा है तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं पिछले साल वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है वो थोड़ा डिले हुआ था तो वो अभी जुलाई में हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट आपका अटैम्प्ट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि पैटर्न क्या होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज का कितनी स्टेजेस का एग्जाम है हर स्टेज में कितने पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं या सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ऑप्शनल होता है या नहीं होता उन सब के बारे में चर्चा करते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं तो चलिए भाई ये देख लेते हैं सबसे पहले तो आप, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर एज रिक्वायरमेंट कितनी है एज लिमिट कितनी है अगर आप 21 साल के हो चुके हैं इफ़ यू आर 21 इयर्स ओल्ड और आप एक ग्रेजुएट हैं आप एक स्नातक हैं तो फिर आप एग्जाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में बैठ सकते हैं तो मिनिमम 21 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होल्डर आप होने चाहिए ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप इस पेपर में बैठ सकते हैं अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं उनके जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं वो तीन स्टेजेस के एग्जाम होते हैं तीन चरण के एग्जाम जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी का एग्जाम वो भी तीन स्टेजेस का एग्जाम है तो सिमिलरली जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ये भी तीन चरण का एग्जाम है तीन स्टेजेस का एग्जाम है तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा तीन स्टेजेस होती हैं इसमें तीन चरण होते हैं अब ये जो तीन चरण होते हैं तीन स्टेजेस होती हैं ये कौन कौन सी होती है तो भाई सबसे पहली जो की स्टेज होती है वो होती है प्री की स्टेज उसके बाद होती है मेंस और ना गुड आफ्टरनून अवंतिका गुड आफ्टरनून जैसे यूपीएससी का पैटर्न है ना पहले एग्जाम होता है इंटरव्यू the बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहां पर भी हरियाणा सिविल सर्विस चलती है का मेंस का और उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट हो जाता है ठीक है पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम पास करना पड़ेगा जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको सेकंड स्टेज में भेज दिया जाएगा मेंस का एग्जाम तो याद रखिएगा पहली स्टेज है आपका प्री का एग्जाम जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेज टू में जो है मेन्स का एग्जाम प्रिलिम्स का जो एग्जाम है यहां पर दो पेपर होते हैं आपके याद रखिएगा दो पेपर होते हैं लेकिन हां ये क्वालिफाइंग होता है प्रिलिम्स के एग्जाम के मार्क्स एड नहीं होंगे आपकी, होंगे. तो आपकी की की होंगे. फाइनल मेरिट लिस्ट में ठीक है मेन्स के एग्जाम में आपके पांच पेपर होते हैं फाइव पेपर और इसके मार्क्स जो है ये एड होंगे तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगी ना उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज की मेंस की स्टेज है उसके मार्क्स ऐड होंगे प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते है. अब कितने कितने पेपर होते हैं जरा उसके बारे में देख लेते हैं पैटर्न में सबसे पहले आपका जो प्रिलिम्स का एग्जाम है उसमें दो पेपर होंगे जो आपका प्री का एग्जाम है उसमें दो पेपर होंगे और दोनों पेपर आपके हंड्रेड मार्क्स के होने वाले और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे देखो मैं यहां दिखा देता हूं आपको गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून जो जो मेरे साथ जुड़ता जा रहा है जो भी आपकी नजर में हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है एक बार सेशन उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा मैं आपको पूरा पैटर्न जो है वो समझा रहा हूँ कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है क्या क्या पूछा जाता है कितनी स्टेजेस होती हैं तो मैंने प्रिलम्स की स्टेज आपको बताई पहले स्टेज है पहला चरण है इसमें दो पेपर होते हैं कौन कौन से एक होता है आपका जीएस का पेपर और दूसरा होता है सी बिल्कुल सिमिलरली जैसे यूपीएससी में होता है ना कि यूपीएससी में प्रिलिम्स का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है वहां पर दो पेपर होते हैं एक जीएस का पेपर होता है एक सीसे का पेपर होता है सिमिलरली यहां पर भी है एक पेपर जीएस का है एक पेपर CSAT का दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है आपके मार्क्स एड नहीं होंगे अब जो आपकी प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी क्या प्रीलिम्स की मेरिट में दोनों सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स या किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे किसी एक पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी तो जो मेरिट बनती है वो जीएस के बेसिस पे बनती है जो सीसेट का पेपर है इसके मार्क्स एड नहीं होते ये केवल क्वालिफाइंग रखा जाता है ठीक है तो ये याद रखिएगा ये केवल क्वालिफाइंग है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मार्क्स ऐड किसके होंगे मार्क्स ऐड होंगे आपके जीएस के आपकी मेरिट बनने में तो पहली स्टेज जो आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें दो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं दोनों कौन कौन से एक जीएस है एक सी सेट है जो प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी जीएस के बेसिस पे सी सेट क्या है केवल क्वालिफाइंग है दोनों में कितने क्वेश्चन आएंगे हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स कितने हंड्रेड मार्क्स तो ये याद रखिएगा दोनों पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं और दोनों पेपर का जो मैक्सिमम वेटेज होता है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं वो भी हंड्रेड हंड्रेड होते हैं और दो घंटे के दोनों पेपर होते हैं यहां पर एक बात याद रखने वाली है जो मैं आपको दिखा दूं नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे नेगेटिव मार्किंग है याद रखिएगा हर गलत जवाब के लिए आपके वन फोर्थ मार्क्स काट लिए जाएंगे मतलब पॉइंट हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है इसमें हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है और आपके वन फोर्थ नेगेटिव हो जाएंगे अगर आप गलत जवाब देते हैं तो मतलब पॉइंट टू फाइव मार्क्स हर गलत जवाब के लिए डिडक्ट कर दिया जाएगा काट दिया जाएगा ठीक है ये सब याद रखिएगा अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर जो बच्चा प्रिलिम्स क्लियर कर लेगा जो प्री की मेरिट में अपना स्थान बना लेगा उस बच्चे को मेंस में कितने पेपर देने पड़ेंगे अब मैं दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करा दूं एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके बाद प्रिलिम्स के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है प्रिलिम्स के मार्क्स केवल आपको पहली स्टेज क्वालिफाई करा के सेकेंड स्टेज तक ले जाने के लिए है बस इससे ज्यादा उनका कोई मैटर नहीं करता अब जब आप सेकेंड स्टेज में आ जाएंगे तो यहां पर आपके कितने पेपर हैं यहां पर है आपके टोटल पांच पेपर कौन कौन से जरा वो भी देख लेते हैं सबसे पहला पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का दूसरा पेपर है आपका जनरल हिंदी का फिर है एक पेपर जीएस का और फिर आपको एक ऑप्शनल चुनना है एक ऑप्शनल चुनना है उसके पेपर दो होंगे ठीक है तो याद रखिएगा पांच पेपर हैं पहला पेपर जर्नल इंग्लिश का है दूसरा पेपर जर्नल हिंदी का है, तीसरा पेपर आपका जीएस का है चौथा और पांचवा ऑप्शनल का है सब्जेक्ट एक चुनना है पेपर उसके दो होंगे यह होगा टोटल पेपर तीन घंटे के पेपर होने वाले हैं मेंस में और मेंस के पेपर होंगे आपके रिटर्न सब्जेक्टिव ठीक है मेंस के पेपर होंगे आपके रिटर्न सब्जेक्टिव ये एक ओवरऑल पैटर्न है जो मेंस कर लेगा उसे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू है आपका 75 मार्क्स का और जो आपकी ओवरऑल मेरिट बन के आती है, वो आती है है वो वो 675 675 से से तो जो फाइनल मेरिट बनेगी बनेगी मार्क्स में से बने जिसके बेसिस पर बनकर बेसिसम डीएसपी जेल सुपरिटेंडेंट ऑल ऑफ दैट वो बनाया जाएगा ये हो गया आपका हरियाणा सिविल सर्विस का पूरा पैटर्न ठीक है कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं वो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले है? भाई आपका जर्नल साइंस हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होती है आपकी हिस्ट्री हो गई जोग्राफी हो गई इकोनॉमिक्स हो गई पॉलिटी हो गई करंट अफेयर्स हो गए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है ठीक है ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस अब इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए इसी एग्जाम को फोकस करते हुए टारगेट करते हुए हम आपके लिए लेकर आए अभिमान बैच अभिमान बी जो है बच्चे ये हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन बैच।, बैच है जीएस का फाउंडेशन बैच है यहां पर प्रिलिम्स और मेंस का पूरा का पूरा जीएस का पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा मैंने भी आपको दिखाया पेपर होगा में जीएस हो 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 तो है वो और उसके साथ साथ हो जाएगा इस एक बैच में अभिमान बी के नाम से जो बैच है मैं एक बार आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूं बैच शुरू हो चुका है जो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आप एडमिशन ले सकते हैं बैच शुरू हो चुका है दो तारीख से आपको करना क्या है आपको अड्डा की वेबसाइट पर जाना अड्डा की वेबसाइट पर यहां आप आ जाएंगे यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहां सबसे ऊपर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है ऑल कोर्सेज पे जाओ उसमें यूपीएससी पर जाओ और यूपीएससी में जाओ स्टेट पीएससी, भाई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो स्टेट पी एस यहां पर आपके सारे बैचेज आ जाएंगे ठीक है सारे बैचेज आ गए ये रहा आपका अभिमान बैच ये है जो बैच आपको लेना है एडमिशन अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं बैच की यहाँ अगर आप देखेंगे सारी डिटेल्स है कब से शुरू हुआ है कितने टाइम तक चलेगा कितने बजे क्लासेज होती हैं कितनी देर की होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सभी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके डेमो लेक्चर्स ऑल ऑफ इट इज़ गिवन ओवर हेयर यहाँ पर आपको दिया गया है अब अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ आपको दिख रहा है तेरह हजार रुपए का तेरह का नहीं पड़ेगा आपको छोटा सा काम करना होता है यहां देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया बाय नाउ बाय नाव पर जाइए बाय नाव पर जाकर यहां पर कूपन कोड मांगेगा वो आपसे आप इसे कूपन कोड दे दो तो। कूपन कोड लिख लो वाई तीन सौ पैंसठ वाई थ्री सिक्सटी फाइव जब आप वाई तीन सौ पैसठ वाई थ्री सिक्सटी फाइव अप्लाई करेंगे तो ये बैच जो आपको दिख रहा था देखो अभी तक ये बैच कितने का दिख रहा था आपको आपको दिख रहा था ये बैच तेरह हजार रुपये का तेरह का नहीं पड़ेगा यार कितने का तीन हजार रुपये का है बैच सिर्फ तीन हजार रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा और तीन से भी सस्ता ही मिलेगा कैसे आप कूपन कोड लगाओ वाई तीन सौ पैंसठ वाई थ्री सिक्सटी फाइव वाई थ्री सिक्सटी फाइव के साथ आप इसे परचेस करो अड्डा की ऐप से जब आप अड्डा की ऐप से परचेज करते हो तो बच्चे आपको इस पर एक परसेंट का और डिस्काउंट मिलेगा और लगभग लगभग सत्ताईस सौ रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा तो तीन हजार में भी नहीं पड़ेगा सत्ताईस सौ रुपए में मिल जाएगा कब जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं वाई और इसे बाय करते हैं अड्डा की ऐप से क्योंकि अड्डा की ऐप पे एक परसेंट का फालतू डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो ओवरऑल कितने का पड़ जाएगा ओवरऑल आपने कॉस्ट देख लिया ठीक है, है? तो आप, मुलाकात होती है आप लोगों से बैच में मिलकर मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है आप इसे क्लियर कर सको हरियाणा सिविल सर्विसेज को क्लियर कर सको और जो भी आपका ड्रीम है सपना है कि सर अधिकारी बनना है हरियाणा सिविल सर्विसेज में जाना है वो आप पूरा कर सकें तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए दो तारीख से बात शुरू हो चुका है दो जुलाई से अभी ज़्यादा क्लासेज मिस नहीं हुई हैं दो तीन क्लासेज हुई हैं तो आज से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं थैंक यू एवरी थैंक यू